ध्यान रहे, ये धार ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। गाइज, आज हम बात करेंगे आपको, ये जैसे हमारी फर्शी है, तो जब भी आप इसमें धार लगाएं तो ऐसा नहीं कि आप कितना भी ऐसा उठा दें, कैसा भी गिरा दें, ऐसा नहीं। कभी कभी हम सऊदी जाते हैं या दुबई जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब भी आप फर्शी में धार लगाते हो तो कितनी डिग्री में होता है, ये सवाल अक्सर किए जाते हैं। तो काम तो सभी करते हैं लेकिन डिग्री के बारे में सब किसी को पता नहीं है कितने डिग्री में धार होना चाहिए, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो होता यूँ है कि जब भी आप इसमें धार लगाएं, आपसे ये सवाल किया जाए, जब दुबई के लिए इंटरव्यू मार रहे हो आप या सऊदी के लिए, कितने डिग्री धार होना चाहिए, तो ये धार होना चाहिए 30 से लेकर 35 डिग्री तक होना चाहिए धार। नहीं तो ज़्यादा अगर 45 के आसपास रहेगा तो ये जब भी हम कटिंग करते हैं, ऐसा कटिंग करते हैं तो क्या होता है, आसानी से कटता नहीं है, वो सिर्फ थप थप की आवाज़ आती है और कटिंग भी नहीं होता है। तो थोड़ा स्लोप होना चाहिए, यानी कि 30 से लेकर के 35 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। और ध्यान रहे, ये धार ऐसा गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। जब भी धार लगाएं तो धार लगाने तरीका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और इधर से उठा के ऐसा धार नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल बराबर लेवल करके इस साइड से आप उठा लें। फर्सी धार हमेशा ऐसे लगाएं, लंबा करके सिल्ली पे, और सिल्ली के चारों तरफ ऐसा घुमाते रहें आगे पीछे करके। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ से सिल्ली गड्ढे हो जाएगी और एक तरफ से उड़ जाएगा। तो इस तरह से फर्सी धार कभी नहीं लगाएं, फर्सी धार हमेशा थोड़ी सी ऐसे क्रॉस रखें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तो हमारी धार हमेशा सीधी होगी। ध्यान दें कि एक तरफ प्रेशर न दबाएं, ये दोनों बीच रखें सेंटर में, ताकि दबाव दोनों तरफ बराबर बनी रहे। तो आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।